तो यहाँ पे ये है सेंट्रल पार्क। जो ऑब्जर्वेटरी देखने मैं जा रहा हूँ फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर, आई थिंक आई कैन सी दिस वन सेंट्रल फ्रॉम द व्यू ऑफ दिस वन। ये न्यूयॉर्क की पीली टैक्सी, इसका एक छोटा सा मॉडल भी मैंने दिया। कल यहाँ पे मैं पूरा घूम के गया था 5th Avenue में, जहाँ पे नाइकी का स्टोर है ना, तो वहाँ पे आई वॉज थिंकिंग देयर वॉज लाइक मे बी सम गुड शूज़ लाइक अ लिमिटेड एडिशन आई कैन फाइंड लाइक ये जेज, बट अगेन जैसे मनीला में है कि शूज़ आने से पहले ही सारे बिक जाते हैं, तो वो भी उसी में स्टोर में था, कोई शूज़ थे नहीं। आज वैसे तो मेरे को ऑब्जर्वेटरी डेक पहले, फिर अमेरिकन म्यूज़ियम का भी टिकट है मेरे पास फ्री में, नॉट इवन फ्री कि वो पैकेज में ही आया था, दो दो वो दे देती हैं लिस्टें, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो ऑप्शन। तो मेरे पास आई थिंक 4 ऑप्शन थे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऑलरेडी हो गया, ऑब्जर्वेटरी वाला अभी हो जाएगा, और अमेरिकन म्यूज़ियम अगर मैं 2 से 2.5 के बीच में चला गया तो फिर वहाँ पे सेंट्रल पार्क में जा सकता हूँ यहाँ पे। पर सेंट्रल पार्क में काफ़ी बड़ा है, इसको घूमने के लिए तकरीबन मेरे ख्याल से चल के अगर जाना हो बिना साइकिल के 3 घंटे तो लगेंगे, 3 से 4 घंटे। और ये जो कोविड का बना हुआ है ना यहाँ पे, हर जगह बना हुआ है, ये फ्री में टेस्ट करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, और आपको पूरा दे देते हैं रिजल्ट 24 घंटे में और बता दें। यहाँ से चल के पूरा इस तरह फिर उस तरफ जाऊँगा। यहाँ पे एक्चुअली ग्रीन लाइट नहीं होती, ये जो वॉकिंग वाली वो वाइट लाइट होती है। अभी मैंने चेक किया जो है ऑब्जर्वेटरी डेक वो 5th और 6th Avenue के बीच में है, तो अभी मैंने चेंज की है स्ट्रीट रादर देन गोइंग टू 7th, आगे जाने के बजाय मैंने 58th Street से ही चेंज कर लिया। तो अभी पीछे से मेरे को यहाँ पे टर्न लेना पड़ा 5th Avenue में है शायद से, क्योंकि गूगल मैप का ये है व्हेन आई गो आउट फ्रॉम द होटल या रूम लगा लो आप, तो वाईफाई मैं तब कनेक्ट करता हूँ और मैप का एड्रेस डाल देता हूँ ताकि वो आगे गाइड करे, पर जब भी दूर निकल जाओ वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाता है तो वो मैप से ही एड्रेस नहीं दिखाता है। और यहाँ पे देखो अभी मेरे को लगता है ये सामने वाली बिल्डिंग है या दूसरी बिल्डिंग होगी, राइट टर्न लेना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से होटल सीधा जाके फिर राइट लेना पड़ेगा यहाँ से। मेरे होटल से ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर अगेन प्रॉपर एड्रेस नहीं हो तो वो बंदे को चलने में टाइम लगता है।
सामने मेरे कल मैं यहाँ पे ऐसा नाइकी का स्टोर है। मेरे को लगता है सबसे बड़ा नाइकी का स्टोर है ये। राइट साइड पे नाइकी का स्टोर है ये। अभी मेरे को यहाँ से जाके यहाँ पे ये सामने का सेंट पीटर्स कैथेड्रल नाम मैं फिर से चेक करूँगा। ये देखो बहुत ज़बरदस्त है। क्या बनाया हुआ है ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है। बाद में यहाँ के अंदर आता हूँ। ये पूरा रियल लीगो है। जो रियल लीगो का था वो यहाँ पे है और ये है डेटोना SP3। जबरदस्त बना हुआ बिहाइंड से अगर लूँ तो ये देखो रियल टाइप की जैसे मूवी होती है ना वैसा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि रियल है। ऐसे चर्च मैंने रशिया में देखे हैं पर ऐसा बिट लाइक दिस मैंने पहले नहीं देखा। इसके चार पांच बिल्डिंग ही हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उसने बोला ये जहाँ पे है ना NBC स्टूडियो, इसके सीधा अंदर जाओ।